प्रखंड संसाधन केंद्र पिपरा पर आज सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन अपने विभाग के खिलाफ जारी है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर उपस्थित शिक्षकों से कि क्या परेशानी है, क्या इनका मांग है और क्यों बैठे हैं ये धरने पर। तो ये है अविनाश रंजन जी हैं, सहायक शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं पिपरा प्रखंड में। तो इनसे जानना चाहेंगे क्या है आपका मांग और क्यों धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का मांग आज विगत कई माह से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आज तक हम लोगों का 4% इंक्रीमेंट जो विभागीय लेटर निकला हुआ था कि जनवरी माह से 4% इंक्रीमेंट यानी मानदेय बढ़ोतरी के लिए दिया गया था, इनके द्वारा बार बार आवेदन देने के बाद भी हम लोगों को आज तक इसका न प्राधिकार का बैठक हुआ और न कोई मामला संज्ञान में लिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे प्रखंड में 18 से 20 शिक्षकों के लगभग में मानदेय बकाया है, किन्हीं का 8 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का साल भर, और पदाधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आज भुखमरी के कगार पर है, किसी के बाल बच्चे के शादी करना है, किसी को पढ़ाई के पैसों की आवश्यकता है और हम लोग तंग आकर, और इनको 24 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था कि 27 तारीख तक अगर आप हमारी बातों को मान लेते हैं, संज्ञान में ले लेते हैं, तो हम आंदोलन स्थगित कर देंगे, अन्यथा हम 28 तारीख को BRC में तालाबंदी करेंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा कल तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग विवश होकर आज सभी सहायक अध्यापक BRC में तालाबंद करने के लिए बाध्य हुए। सुनने में आया है कि बकाया वेतन का मांग करने पर कुछ पैसे का डिमांड किया जाता है। पैसे का डिमांड किया जाता है, नहीं किया जाता है वो तो सहायक अध्यापक बताएंगे, लेकिन हमें भी सुनने में मिला है कि यहाँ से जो कागज बन के जाता है जिला में, जिला के द्वारा सुनने में हमें भी आया है कि वहाँ जिला में मांग किया जाता है। आइए जानते हैं सहायक शिक्षक के नेतृत्वकर्ता सिद्धि सिंह है, क्या है मांग आपका और ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? आज हम लोग झारखंड एकीकृत पराशिक्षा संघर्ष के बैनर तले बैठे हम लोग जितने भी सहायक अध्यापक हैं, अपने BO से हम लोग बार बार गुहार लगाएं कि 4% एग्रीमेंट जो सरकार का सचिव का जो दिशा निर्देश है उसके आदेश में हम लोग को 4% एग्रीमेंट करना है और अनुशासन के प्रशासनिक कार्यक्रम जो करके देना था प्रखंड को, अब लोग सभी प्रखंड में लगभग हो चुका है, पलामू के 14-15 प्रखंड में कार्य या पेमेंट उनको बढ़ा दिया गया है 4%, लेकिन हमारे के यहाँ जो एरिया ऑफिसर हैं और BO साहब हैं दोनों एक ही चार्ज में हैं, उनको बार बार निवेदन करने के बावजूद भी हम लोग की कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग फ़ोन करके भी सूचना दिए हैं, पदाधिकारी जो हमारे हैं उनको सूचना दिया गया, कोई बात कहने के बाद उनको यही बताते हैं कि आप BPO से करवा लीजिए, अब रंजन जो हमारे अकाउंटेंट उनसे करा लीजिए। इन लोग के आपसी तालमेल गड़बड़ होने के कारण हमारे जितने भी सहायक अध्यापक हैं सारे लोग परेशान हैं, 19 लोगों का मानदेय रुका हुआ है विगत 10 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 5 महीना। एक सुरेंद्र सिंह का पेमेंट था, BO साहब के द्वारा बोला भी गया, तो हमारे चाहे वह BPO हो या अकाउंटेंट हो या जिसकी गड़बड़ी से जो भी समस्या हमारे आया है, सबको मिलकर इन लोग को हल करना चाहिए। इन लोग की क्या समस्या, क्या व्यक्तिगत समस्या है उसे हम लोग को लेना देना नहीं है। हमारे सहायक अध्यापकों की जो मानदेय बढ़ाने की बढ़ोतरी की बात है, जो भी समस्या है महीना में 1-2 दिन बैठने को BO को बोला जाता है, इसके बावजूद भी नहीं बोलते हैं, तो हम लोग विवश होकर BRC में ताला बंद करने के लिए। आप लोग पिपरा प्रखंड के लिए अलग BO की मांग करते हैं जो यहाँ पे अस्थायी रूप से रहे? हम लोग अलग से मतलब नहीं, हम लोग काम से मतलब है, हमको जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमको BO साहब काम करे लेकिन करें, नहीं करते तो जवाब देना चाहिए, भागना चाहिए। जब से आप लोग धरने पर बैठे हैं अभी तक आपसे किसी ने संज्ञान लिया, कोई संपर्क साधा? हम BO साहब किसी और से अपने से डायरेक्ट BO साहब बात नहीं किए हैं, कहीं कहीं से गुप्त सूचना मिल रहा है कि वो तैयारी में है आने के लिए, नहीं आते हैं तो फिर भी हम लोग ताला बंद करेंगे, और नहीं अगर आज कोई तरह से संज्ञान लिया गया तो अनिश्चितकालीन ताला बंद करेंगे, चाहे BO साहब इसके लिए जो भी हम लोग को करने पड़ेगा BO साहब को हर हालत में करना होगा, नहीं करते हैं तो अपना पद छोड़ के भागे यहाँ से। बुलाने के बाद आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षकों की स्थिति या शिक्षकों का मानदेय नहीं मिलने के कारण और भी अन्य परेशानियाँ इनका, उसके कारण ये लोग धरने पर बैठे हैं और यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे पढ़ने वाले स्कूल में उनका भविष्य भी अधर में जाएगा अगर सरकार के ये दोहरा रवैया के चलते अधिकारियों के। धन्यवाद।